अरे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट किसी नंबर का बताना बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड से आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखिए आप देखो बच्चों, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से हम निकालेंगे। आप जरा देखो, जैसे कोई मैं पहले 3 डिजिट का नंबर लेता हूँ बच्चों, जैसे ये कोई नंबर मैंने लिया, मान लीजिए 529। टू फाइंड स्क्वायर रूट 529, ठीक है, तो कैसे आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 529 का? आप सबसे पहले बच्चों इसमें क्या करोगे, पेयर बनाओगे। पेयर मतलब दो दो के जोड़े, और वो आप राइट से शुरू करेंगे बच्चों। तो पहला पेयर राइट से बनता है, दो का जोड़ा बनता है देखो 29, और ये सिंगल डिजिट बच जाती है 5, तो ये पूरा पेयर नहीं बनता है। तो कोई बात नहीं, अब आप शुरू करेंगे। देखिए स्क्वायर रूट निकालने का मेथड मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये नंबर 5 है बच्चों, इसके लिए हम टेबल पढ़ेंगे। टेबल भी स्क्वायर नंबर में होना चाहिए, जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो ऐसे 5 के लिए हम टेबल क्या पढ़ पाते हैं बच्चों, 2 2 जा 4। अब आप जैसे डिवीजन करते हैं बिल्कुल वैसे ही, 5 माइनस 4 1। अब आप क्या करिए, ये पूरा पेयर नीचे लेंगे, 129 हो जाएगा, पूरा पेयर लेंगे बच्चों, सिंगल डिजिट नहीं लेंगे। अब आप क्या करेंगे, जो आपका यहां से डिवीजन जो आया है ये 2, इसका क्या करिए, आप डबल करिए, 2 2 जा 4। अब यहां एक डिजिट लिखेंगे बच्चों, वही डिजिट यहां पर भी लिखेंगे, और इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई इसके इक्वल या इससे कम आना चाहिए, और वो डिजिट भी कैसी होनी चाहिए, जैसे स्क्वायर में 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा, ऐसे चलेंगे आप। तो जैसे आप देखिए, ये 9 है, तो 9 किसके उसमें आता है, स्क्वायर के, जैसे 3 के में आता है, तो मैं पहले 3 से करके देखता हूँ, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पर भी 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो देखिए ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर बचता है 0। तो स्क्वायर रूट 529 हो जाता है बच्चों, कितना, 23। चलिए एक और मैं ले लेता हूँ कोई 3 डिजिट का नंबर, जिसका मैं आपसे स्क्वायर रूट पूछूं। ये आपके देखिए इस एक्सरसाइज का 6.4 का कोई सा मैं पार्ट लेता हूँ, जैसे 576 लेता हूँ। देखिए 576 का स्क्वायर रूट बताना है, तो आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया। राइट से मैंने पेयर बनाने शुरू किए, एक पेयर पूरा 76 हो गया, सिंगल डिजिट बच गई, और फिर आप स्टार्ट करिए बिल्कुल पहले की तरह, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1। अब पूरा पेयर आप नीचे लेंगे 76, और इस 2 का डबल करके यहाँ पर लिखेंगे 2 2 जा 4। अब देखिए इसके लिए यहाँ पे 6 है बच्चों, तो कौन सा ऐसा टेबल है स्क्वायर नंबर में जिसमें लास्ट में 6 आता है, जैसे 4 में आता है, क्यों, 4 4 जा 16, लास्ट में 6 आएगा, तो मैं 4 का टेबल इसमें पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे भी 4 लिखोगे, यहाँ पर भी 4, 4 4 जा 16, कैरी किया 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, ये देखो रिमाइंडर 0। तो इसका स्क्वायर रूट 576 का हो जाता है कितना, 24। अब मैं किसी 4 डिजिट के नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाता हूँ। जैसे देखो ये ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें 4 डिजिट के हैं। चलिए कोई एक पार्ट लेता हूँ, जैसे इसका 8th पार्ट लेता हूँ मैं, 7921। क्वेश्चन 1 का 8th पार्ट है ये, क्या है, 7921 का स्क्वायर रूट बताना। काम वही है बच्चों, आपको राइट से पेयर बनाने, पहला पेयर दूसरा पेयर, देखो अब ये पूरे पूरे 2 पेयर बन गए। अब 79 के लिए आप टेबल पढ़िए स्क्वायर नंबर का, जैसे 5 5 जा 25, 8 8 जा 64, और 8 से अगला 9 9 जा 81, तो 8 टाइम्स टेबल चला इसका, 8 8 जा 64,
79 माइनस 64 कितना हो गया बच्चों, 9 माइनस 4 5, 7 माइनस 6 1, और ये पूरा टेबल यहाँ पे लाएंगे आप, पूरा का पूरा पेयर लाएंगे कितना 21। अब आपको मैंने बताया इस नंबर का डबल यहाँ पे लिख ले लिए, 8 टू जा 16। अब आप देखो इसमें टेबल पढ़ेंगे आप कितना, जिसके लास्ट में कोई स्क्वायर नंबर ऐसा ढूंढो जिसके लास्ट में 1 आता हो, जैसे 9 है। अब मैं आपको दिखाऊं तो 169 इंटू 9 करो तो 99 जा 81, कैरी किया 8, 96 जा 54 प्लस 8 कितना 62, कैरी किया 6, 91 जा 9 प्लस 6 15, देखो 15 to 1 पूरा का पूरा आता है। तो मैंने 9 बार टेबल चलाया इसका तो ये आ गया 15 to 1 और रिमाइंडर 0। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया बच्चों 7921 का कितना हो जाता है देखिए 89। ठीक है, ऐसे ही एक और नंबर मैं ले लेता हूँ, चलिए कौन सा लूँ मैं, 3136 लेता हूँ। ये इसका कौन सा पार्ट है, 11th, 3136। काम वही है, आप राइट से पेयर बनाइए, ये पेयर बनाए देखिए दो। अब आप इसमें टेबल चलाएंगे, 31 के लिए 5 जा 25, 6 जा 36, तो 36 तो ज़्यादा हो जाता है, तो 5 जा 25, कितना रिमाइंडर बचा बच्चों 6। फिर पूरा पेयर आप नीचे लाइए तो 636। अब आप देखो इसका डबल करोगे, 5 जा 10 यहाँ पे लिखोगे। अब इसके लिए स्क्वायर नंबर पढ़ोगे, अब देखो 6 किसके लास्ट में आता है, 4 के में भी आता है। तो अगर मैं करता हूँ 104 इंटू 4 तो ये नहीं आता, 416 होगा। पर अगर मैं करूँ 106 इंटू 6 तो 66 जा 36, 61 जा 6, देखिए इससे ये पूरा पूरा आ जाता है। तो मैं 6 टाइम टेबल पढ़ूंगा बच्चों, तो ये आ जाता है 636 और रिमाइंडर 0। तो ऐसे हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट 3136 इक्वल टू 56। ऐसे इसका आप कोई भी ले सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा नंबर लेता हूं जिसका स्क्वायर रूट उसमें परफेक्ट नहीं आता, ठीक है। जैसे मैंने एक नंबर लिया बच्चों कितना, 5607 लिया सपोज, 5607, इसका स्क्वायर रूट आपसे पूछा हमने, तो हमने पेयर बनाए, बिल्कुल जो प्रोसीजर है उससे ही चलेंगे, तो पेयर बन गई। 56 के लिए हम टेबल पढ़ेंगे तो कितना चलेगा देखिए, 77 जा 49, 8 तो ज्यादा हो जाएगा, और ये बच गया 16 माइनस 9 7। फिर पूरा पेयर नीचे लेंगे तो 707, और इसका डबल कर दीजिए तो 72 जा 14। अब इसमें आप टेबल पढ़ेंगे देखो, तो कितने का टेबल चलेगा इसमें आपका देखिए, जैसे कि मैं आपका देखूं तो 4 टाइम्स टेबल चलाइए, 4 जा 16, कैरी किया 1, 4 जा 16 प्लस 1 17, कैरी किया 1, 4 जा 4 प्लस 1 5। अब आप देखो इसमें रिमाइंडर बच जाता है 3 और ये 1, 131 रिमाइंडर बन जाता है। तो यानी 131 रिमाइंडर बच जाता है, तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास परफेक्ट नहीं आ पाता। तो वो कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल पाते जो परफेक्ट होता, तो देखिए ये 5607 मेरे पास नंबर था। अगर मैं इसमें से ये डिजिट कम कर देता 131, तो 7 माइनस 1 क्या होता 6, 10 माइनस 3 कितना 7, और 5 माइनस 1 कितना होता फिर 4, तो अब ये नंबर होता 5476। क्या इसका मैं स्क्वायर रूट निकाल पाता परफेक्ट, तो आप देख सकते हैं 5476। आप दो पेयर बनाइए इसके और शुरू करिए, 77 जा 49, ये बच गया कितना बच्चों 5, पूरा 76 आप नीचे लाइए पेयर, और ये 72 जा 14। अब आप देखो, अब तो आपने देखा था ना ये 144 इंटू 4 कितना आया था 576, तो बिल्कुल ऐसे ही ये हो जाता है 576 और रिमाइंडर 0। तो
तो हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट 5476 हाउ मच 74। ठीक है बच्चों, तो आज आप स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, ये क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे अपनी एक्सरसाइज के, ये सब 4 या 3 डिजिट के हैं, कोई डाउट होगा तो मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाकी क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।